हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आई स्मार्ट टेक में। तो फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एप्सन के एल सीरीज़ में जो प्रिंटर है उन पे एक प्रॉब्लम आती है पेपर पिकअप की। या तो पेपर पिक नहीं कर पाता है और एक रेड लाइट जो कि ये है ये ब्लिंक करने लगती है। तो ये प्रॉब्लम जो है एप्सन के सभी प्रिंटरों में आती है, वो कोई सा भी मॉडल हो एल सीरीज का, चाहे 210 हो, 220 हो, 350 हो, 360 हो, 380 हो, या जो भी मॉडल हैं एप्सन के, इन सब में ये प्रॉब्लम आती है। तो हम उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि वो एरर क्या होती है जब पेपर नहीं पिक कर पाता प्रिंटर, तो वो किस तरीके से आती है। मैं इस पेपर को होल्ड कर देता हूँ जिससे खींचे ना। ये देखिए, जब ये पेपर नहीं खींच पाया प्रिंटर से तो ये जो है इस तरीके से एक एरर आ जाती है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे एरर क्या आती है वो दिखाने के लिए ये करा है, और इसका सॉल्यूशन भी मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को देखते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रिंटर को जो है ऑफ कर देना है और इसकी पावर को निकाल लेना है। उसके बाद आपको प्रिंटर को जो है इस तरीके से जो है खड़ा कर लेना है। आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो इंक टैंक जो है इसका, ये जो है सीधा ही होना चाहिए, टेढ़ा ना हो, वरना जो है इंक जो है प्रिंटर के अंदर गिर जाती है। तो इसके ऊपर आपको जो है यहाँ पे एक पेज दिखेगा, इस पेज को आपको जो है खोल लेना है। इस पेज को खोलने के बाद आपको जो है इसे निकाल लेना है। ये इस तरीके से आपको ये निकाल लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक ये रोलर दिखाई देगा जो कि एक स्प्रिंग लगा हुआ है, इस वाले स्प्रिंग को आपको निकाल लेना है और इसे जो है इस वाले रोलर को बाहर निकाल लेना है। ये जो रोलर होता है ये हमारा जो है एप्सन में जो है पेपर पिकअप रोलर होता है। जब ये जाम हो जाता है या काफ़ी हार्ड चल रहा होता है तो तब क्या होता है कि जो है पेपर पिक नहीं हो पाता है। तो इसके अंदर एक स्प्रिंग लगा होता है जिसे हमें जो है थोड़ा ग्रीस वगैरह लगा के थोड़ा स्मूथ करना होता है जिससे कि वो आराम से घूम सके। तो मैं कैमरे को जो है यहाँ रख देता हूँ। तो ये जो रोलर है इसे आपने जो है इस तरीके से यहाँ से जो है खोल लेना है। खोलने के बाद जो है इसमें यहाँ पे जो है स्प्रिंग लगा होता है, इसे जो है इस तरीके से आपको जो है बाहर निकाल लेना है। ये आपको यहाँ पे एक स्प्रिंग दिखाई दे रहा है, जब ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है तो जो है पेपर नहीं खींचता है। तो ये इस तरीके से घुमा के देख सकते हैं आप। इस पे जो है आप ग्रीस वगैरह लगा के भी जो है इसे आप जो है स्मूथ कर सकते हैं, या फिर ये पूरा जो है आप जो है चेंज भी कर सकते हैं। मार्केट में 100 से 150 रुपये तक आपको मिल जाएगा, या फिर जो है ये स्प्रिंग निकाल के भी आप जो है इसे ऐसे ही लगा सकते हैं। स्प्रिंग निकाल के जब ये हम रोलर लगाते हैं प्रिंटर में तो उससे बस एक प्रॉब्लम आती है, ये कि जो जो आपके पेज पिकअप हैं वो एक एक ना करके जो है कई सारे पेज जो है साथ में जो है पिक करने लगता है। तो जो है इसे जो है हम यहाँ पे जो है स्मूथ करके जो है इसमें ग्रीस वगैरह लगा के जो है दोबारा से इसे जो है यहाँ पे फिट कर देना है। अब मैं इसे जो है प्रिंटर पे लगा देता हूँ। प्रिंटर पे लगाने का तरीका यह है कि यहाँ पे जो है इस तरीके से रखना है इसे, और जो है इस तरीके से जो है अंदर को प्रेस कर देना है। तो इस तरीके से ये जो है यहाँ पे लग जाएगा। उसके बाद ये स्प्रिंग लगा लेना है जो कि यहाँ से लगता है,
एक पॉइंट यहाँ पे लगेगा और दूसरा पॉइंट जो है इसके ऊपर की साइड यहाँ पे इस तरीके से लगा देना है। उसके बाद जो है आप जो है इसे लगा के इसे बंद कर सकते हैं। बस इतना करने से जो आपके पेपर पिकअप की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना करके आप जो है आसानी से अपने प्रिंटर को जो है रिपेयर कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और इस वीडियो से अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।